इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईफोन के अंदर आउटगोइंग कॉल्स रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। हमारी आउटगोइंग जो कॉल है हमारे आईफोन से नहीं मिल पाती है, प्रॉब्लम होती है कुछ भी, या तो मिल जाती है आवाज़ नहीं आ पाती, या फिर जो भी है मतलब कॉल कट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको सेटिंग्स में जाना होगा अपने आईफोन की, इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको एरोप्लेन मोड को लगा देना है और बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डेटा, मोबाइल डेटा पर जाना है, और मोबाइल डेटा पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल डेटा ऑप्शंस मिल जाता है, तो इसको खोल लेना है और वॉइस एंड डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको इसे LTE पर लगा देना, कर आपका सिम 4G है और आपका मोबाइल भी 4G है। तो उसके बाद बैक लाइए और यहाँ पर आपको नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो नेटवर्क सिलेक्शन पर जाइए। और नेटवर्क सिलेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन दिखाई देगा एक, तो इसे चाहे बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे एक दफ़े इसको बंद चालू ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि नेटवर्क रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद बैक लाइए और फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर बैक आना है और नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ़ोन का, तो फ़ोन को जो है आपको खोल लेना है। जैसे आप फ़ोन को खोलेंगे तो यहाँ पर अनाउंस कॉल्स सेटिंग्स आपको मिलेगी, तो इसको भी खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स होती हैं वैसे, लेकिन आउटगोइंग कॉल्स पर भी बहुत डिपेंड करता है इससे, तो आप इसको नेवर पर लगा दीजिएगा। और यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग जो मेन इंपॉर्टेंट रहती है उसको खोलिए और यहाँ पर देखिए कि चालू है या बंद है। अगर चालू है तो इसे बंद कर दीजिए। और फिर एक जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर कॉल वेटिंग का है, तो कॉल वेटिंग पर जाइए और ये जो कॉल वेटिंग आ रही है तो इसको जो है आप इसको भी बंद रहने देना है। तो जैसे आप ये सारा प्रोसेस करते हैं तो फिर आपको जो है आउटगोइंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके आईफोन के अंदर। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।